लड़की आपके पीछे पढ़ना चाहिए या वो आना चाहिए, इसके लिए क्या करें? चलो इसके बारे में आज बातचीत करते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल काफ़ी सारे लड़के मेरे पास में आते रहते हैं, नर्वस है, डिप्रेस है, टेंस है, एंग्शियस है, और उनका यह है कि भाई उनकी जो गर्लफ्रेंड है जिसको वो चाहते हैं, मतलब वो गर्लफ्रेंड नहीं, एक्चुअली उनके साथ में पढ़ने वाली लड़की है या बाजू वाली लड़की है या और कोई उनके संपर्क में आने वाली लड़की है, कि वो लड़के को वो चाहते हैं मगर वो उनको भाव देती नहीं है, और इसकी वजह से वो डिप्रेस है, नर्वस है, और उनको वो लगता है कि वो मिलनी चाहिए, उसके साथ में मुझे दोस्ती करनी है। होता क्या है कि वो उसको लगता है कि ये लड़की को कोई पटा लेगा, अपने साथ वाला जो दोस्त है वो उसको पटा लेगा और मैं उसको खो बैठूंगा, इसलिए वो ज़्यादा ज़्यादा उसके पीछे पड़ने लगता है, उसकी ज़्यादा ज़्यादा मतलब मस्काबाजी करेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ में बातचीत करने की कोशिश करेगा, और वो जितना उसके पास में जाएगा उतना ही ज़्यादा वो उसको झिड़का रही है। यदि आपको वो करना है कि नहीं, ये लड़की मुझे एज ए गर्लफ्रेंड करके चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसको पहले सबसे पहले उसको खोने का डर आपको निकालना है, नंबर एक। और नंबर दो, उसको उसके पीछे पड़ना नहीं। अब जितने ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो वो और दूर दूर भागे। करना क्या है आपको, आपको करना यह है कि आपको नंबर एक बताना है कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, उसके सामने आप और किसी लड़की के साथ में बातचीत करते हो, हंसी मजाक करते हो, तो क्या होती है, लड़कियां वो जलती है। जब वो ऐसा देखती है आपको किसी के साथ में बातचीत करते हुए, तो उसकी जलन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है और उसको सहन नहीं होता, उसको भी लगता है कि नहीं, ये लड़के के साथ में मुझे दोस्ती करना चाहिए, और आप उसके सामने और कोई लड़की के साथ में जानबूझकर बातें करते हो जिसके साथ में आपको दोस्ती नहीं करना है, मतलब उसमें आप इंटरेस्ट भी नहीं मगर जानबूझ के आप करते हो, तो वो लड़के भी आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगी, आपके पास में आएंगी, आपको कुछ ना कुछ मदद मांगेंगी, किताब मांगेंगी, नोटबुक मांगेंगी, जो भी आपके सामने पढ़ती होंगी, तो या जो भी कुछ, मतलब वो कॉन्टैक्ट करने को भी कोशिश करेंगी, क्योंकि वो रहती है जीलस, लड़कियां जीलस रहती है बहुत, उनको चलता नहीं है कि भाई मैं जिसको चाहती हूँ या जो लड़का मुझे अच्छा लगता है उसने और कोई लड़की से बातचीत करना है, तो कोई चाहती नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको और कोई लड़की के साथ में बातचीत करते हुए उसको देखना चाहिए, ऐसा करना है। पहला मैंने बताया कि उसको भाव देना नहीं, उसके पीछे पड़ना नहीं है। दूसरा जो है कि जो वो जब देखती है तो उसके सामने जानबूझकर और तीसरे लड़की के साथ में बातचीत करना है। नंबर तीन, जब आप ग्रुप में हो, बॉयज गर्ल्स सब एक साथ है ग्रुप में, आप सबके साथ में हंसी मजाक कर रहे, सिर्फ उसको छोड़ो, बाकी लड़के उसको भाव दे रहे, वो भाव खा रही है मगर आप बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे, आप बहुत हंसी मजाक कर रहे, जोक्स कर रहे मगर उसके तरफ देख भी नहीं रहे, तो उसको लगता है कि देखो सब मेरा पीछा कर रहे, सब मुझे मिलने के लिए या मुझे हाजी हाजी कर रहे, ये लड़का नहीं है। होता क्या है, कोई लड़की का जब वो मिलता नहीं है उसके पीछे चारा जाती है, तो जो मिलता नहीं उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं, तो जब वो मिलता नहीं उसको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे पास में आता भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं करता, अभी वो आपको चाहना चालू करेंगी, वो आपके पास में आएंगी, वो आपके पीछे पड़ेगी। तो ये यदि करते हैं तो इसके पहले सबसे पहले क्या है कि आपको पहले वो निकालना पड़ेगा कि मैं इसको खो बैठूंगा, क्योंकि वही डर आपको दूर करेगा वो लड़की से। तो ये मैंने आपको तीन टिप बता दिया, ये यदि आप करते हैं तो जो आपको डर है कि वो लड़की निकल जाएंगी अपने यहाँ से, या फिर उसके साथ में मेरी फ्रेंडशिप नहीं होंगी, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो लड़की सिर्फ गर्लफ्रेंड करके नहीं, मुझे तो वो पत्नी करके भी चाहिए, मगर उसके पीछे आप पड़ोगे तो आप गुलाम बन के रहोगे और उसके इशारों पर नचते रहोगे, और उसके खोने के डर से और पीछे पीछे पड़ोगे तो वो आपसे और दूर चले जाएंगे। तो ये टिप्स जो है मैं लड़कों को देता हूँ हरदम, और वो लड़के जब ये टिप लेते हैं तो बाद में मुझे आके बोलते हैं कि अब मैं बहुत ही शांत हूँ और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो मेरे पीछे आ रही। तो ये करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।